बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपसे पिछले चैप्टर के अंदर हमने सेल्स का इंट्रोडक्शन किया, उनकी सेल थ्योरी की इमर्जेंस, किन किन साइंटिस्ट ने काम किया उसके बारे में बात की। आज के चैप्टर के अंदर हम सेल के बारे में मज़ीद बात करेंगे और इसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कितने किस्म के होते हैं। सही, तो रिवीजन के तौर पर यहाँ पर एक डायग्राम है, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपके पास एटम्स हैं, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स देन माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेल्स की शक्ल में अरेंज होती है। ऑर्गेनेल्स आपके सेल्स बनाएंगे, सेल्स आगे आपके ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स कन्वर्ट इनटू सिस्टम, एंड सिस्टम गोज टू होल बॉडी। सही, तो इसमें जो बेसिक फंक्शनल पार्ट होता है डैट इज़ सेल, यानी जो सेल है ये बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी ऑर्गेनेल्स जब सेल्स की शक्ल में अरेंज होंगी तो हमारे पास एक पूरा, एक कह लें कि पूरी फैक्ट्री सी बनेगी जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सकेगी। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स वगैरह होंगे। तो ये सारा सेल का स्ट्रक्चर, यानी सेल क्या था हमारे पास, यानी ये बुनियादी तौर पे ये सारा काम करता है और इसी सारे एनाटॉमी डेवलप होते हैं। तो हम कह सकते हैं सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल, यानी बनावट के लिहाज से, एनाटॉमी के लिहाज से, एंड फंक्शनल, यानी इसकी जो फिजियोलॉजी है सारी की सारी वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सही, यानी सेल की ये बेसिक डेफिनेशन। तो हमने सेल थ्योरी के एंड के ऊपर भी कह दिया, सेल्स इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, वेरी सिंपल। सही, अब इसकी टाइप्स के ऊपर आते हैं, यानी इनकी टाइप्स कितनी होती हैं। सो दे, यानी वैसे तो आपको पता है कि हर किंगडम के अंदर हर डिफरेंट टाइप का हमारे पास सेल्स आएगा, लेकिन जनरली हम इन्हें दो टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। वन इज प्रोक्रियाटिक, अदर वन इज यूकेरियोट्स। सही, प्रोक्रियाटिक थोड़ा पुराना सा होता है, यानी ये प्रिमिटिव टाइप है, बहुत सिंपल सा सेल होता है, जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह है। अभी हम इसके मज़ीद बारे में स्टडी करेंगे। प्रिमिटिव टाइप है, यानी ओल्ड वन, ओल्ड वर्जन है सेल का। जबकि यूकेरियोटिक मोर एडवांस किस्म है इसकी, जो कि ह्यूमन सेल्स में भी पाया जाता है। सो इट इज़ एडवांस। सो ये आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि सेल्स की दो किस्में, जिसमें एक प्रोक्रियाटिक है जो कि लिमिटेड सा है, यानी ओल्ड वर्जन है, जबकि यूक्रियाटिक जो कि आजकल का एडवांस किस्म का सेल है और ये हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। सही, इसकी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक और डायग्राम रखी है आपके लिए। सो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, लाइक हमारे पास तीन किस्म के सेल्स यहाँ पर दिए हैं इन्होंने। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट वन इज़ एनिमल सेल, सेकेंड वन इज़ प्लांट सेल, एंड देन बैक्टीरिया सेल। सही, सो एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो ज़्यादातर चीज़ें वो मैच कर रहे हैं, लाइक यू कैन से, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूँ ये। सही, सो ये सारी चीज़ें जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में मैच कर रही हैं। ठीक है, लाइक इसके अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। सही, सारी चीज़ें अभी हम बारी बारी सारों का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। सही, साइटोप्लाज्म वाहिद चीज़ है जो कि सबके अंदर मौजूद है। इसके अलावा दे आर डिफरेंट, ठीक, वो डिफरेंट बनावट के लिहाज से। यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मसलन प्रोक्रियाटिक आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर, लाइक दे डोंट हैव स्पेशल न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इनके अंदर ना न्यूक्लियोलस होता है, ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी नहीं है, राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स हैं इसके अंदर, लाइक इधर आपको राइबोसोम्स नजर आएंगे। If we shade it like this, these are ribosomes, so it matches, so ribosomes are there. इसके अलावा vacuoles नहीं होते इसके अंदर, so there are no vacuoles. Cell membrane होती है, like cell membrane is alike. अगर हम देखें इसमें भी cell membrane है, और इसमें भी कहीं पे होगी, there is plasma membrane, और इस तरह इसमें भी होगी plasma membrane, so cell membrane is similar. सही, इसके अलावा सेल वॉल इज़ ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरियाज़,
and in plant cell. There is no cell wall in animal cells. Animal cells के अंदर आपको cell wall नजर नहीं आ रही होगी, सही? यानी इसके अलावा कुछ ऐसे structures जो सिर्फ animal cell में पाए जाते हैं, मसलन centrioles हैं, सही? Centrioles are only present in the animal cells. इस तरह यानी काफ़ी डिफरेंस है जो हम बारी बारी स्टडी कर देंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे मेन फोकस जो है वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोक्रियाटिक एंड यूक्रियाटिक सेल. सो इस तरह इनके दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है. अगर आप डायग्राम्स में भी देखें कुछ चीज़ें ऐसे जो मैच कर रही हैं, लाइक इसमें सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन मैच कर रही थी, ठीक. यानी सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट हेयर, सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट हेयर, सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट हेयर. इस तरह राइबोसोम्स हैं, इसमें हैं राइबोसोम्स आर देयर, सही. राइबोसोम्स प्लांट सेल में भी आपको नज़र आएंगे, सही. सो इसके अलावा जो रेड लाइन हुई हुई है, लाइक मैं जो रेड लाइन की हैं वो इनके अंदर चीज़ें मौजूद नहीं हैं बैक्टीरिया सेल्स के अंदर. कुछ ऐसे हैं जो प्लांट और एनिमल सेल्स में भी है, लेकिन हम प्लांट और एनिमल सेल्स को यानी इन दोनों कैटेगरीज को यानी वन एंड टू जो से हैं ये यूक्रियाटिक सेल्स में आएंगे. तो डायग्राम में भी आप देखें तो ऐसे महसूस होता है जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हों जिसका मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बने हों और हर सेक्शन अलग अलग काम करेगा, जिस तरह नॉर्मल फैक्ट्री में होता है. यानी हर एक अलग अलग आपको डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, सही. अब बैक्टीरिया भी सारे काम करता है, लेकिन ये ऑल इन वन है, यानी ऑल इन वन रूम वाला हिसाब है कि इसके अंदर कोई कह लें कि पार्टीशनिंग नहीं है. सारी जो चीज़ें हैं वो मिक्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही. अब इवन देखें जो डीएनए है सेंटर के अंदर, जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स भी सारों में मौजूद हैं. सो जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर जस्ट स्प्रेड इन टू द साइटोप्लाज्म, यानी सिर्फ ये साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए हैं. तो यानी आपको डायग्राम से अंदाज़ा हो रहा है कि बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सही. इसको कंपेयर करने के लिए, मज़ीद एलैबोरेट करने के लिए हम एक और डायग्राम स्टडी करेंगे, सही, जिसके अंदर ये टेबल की शक्ल में आएगा सारा कुछ. सो सबसे पहले हम देखें साइज ऑफ सेल है, सही, कि साइज ऑफ सेल जो सा है बैक्टीरिया का यानी जो प्रोक्रियाट है उसका 0.2 टू 2.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, एंड जबकि यूक्रियाटिक सेल जो से 10 से 100 माइक्रोमीटर होते हैं, सही. सो यानी अगर हम प्रोक्रियाट इन कंपैरिजन विद यूक्रियाट करें, सो जो प्रोक्रियाट का साइज है, साइज इज लेस देन यूक्रियाट, ठीक, कि जो यूक्रियाट का साइज होगा उसका ज़्यादा होगा प्रोक्रियाट. सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस. दूसरा सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट, यानी इसमें जो डीएनए होता है इट इज़ जस्ट स्प्रेड इट टू द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होगा, कोई इसके अंदर डीएनए या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जिस तरह के आपको इस स्ट्रक्चर में नजर आएगी. या ऊपर हमने जिस तरह बात की कि लाइक दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, और इसके बाहर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी खास गोलदायरा से नज़र आ रहा है जिसके अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, सही. इसके अंदर आपको कोई इस किस्म का गोलदायरा नज़र नहीं आएगा. आगे इसका ट्रू न्यूक्लियस यानी कंसिस्टिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलाई होगा, सो इट इज़ अ ट्रू न्यूक्लियस. आगे जो पार्टीशनिंग यानी इसमें फ़र्क क्या हो गया कि नॉट ट्रू न्यूक्लियस, जबकि इसके अंदर क्या था ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस से क्या हम राहत है कि यानी इसके अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई वगैरह सारे नज़र आएंगे, सही. आगे मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स, यानी इसे हम पार्टीशनिंग भी कह सकते हैं कि इसमें ऑर्गेनेल्स की पार्टीशनिंग हुई होती है. लाइक अगर हम यहाँ पे देखें सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ डिफरेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ डिफरेंट, न्यूक्लियस इज़ डिफरेंट, न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, यानी गोल्जी बॉडीज आर, वो भी अलग है, आपको सब हर चीज़ अलग अलग नज़र आएगी, जबकि इसके अंदर सब चीज़ें मिक्स हैं, सो दे आर मिक्सड अप, सही. सो यानी इसको अगर हम सिंपल वे में डिफाइन करें, सो इसमें क्या है प्रोक्रियाट्स के अंदर नो पार्टीशनिंग, नो पार्टीशनिंग, यानी इसके अंदर पार्टीशनिंग नहीं होती, जबकि यूक्रियाट्स के अंदर क्या होगा आपको स्पेशल किस्म की पार्टीशनिंग नजर आएगी, सही, कि हर जो ऑर्गेनेल है वो अलग अलग काम करेगा, सही. फ्लैजिला पे आते हैं, सो इसके अंदर फ्लैजिला होंगे, सही, प्रेजेंट एज अ सॉरी कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक, सही. आगे इसके जो फ्लैजिला हैं जो बास सेल्स में होते हैं कंसिस्ट मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स, लाइक हेयर,
ह्यूमन हेयर आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेज, सही। सो यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं हेयर, जबकि इसके अंदर जो से सिंपल टू प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो सिंपल सा फ्लैजला होता है, सही। तो उसे दे हैव सिंपल ज्योमेट्री कह लें। फिर ग्लाइकोकैलेक्स है, सही, यानी ये आपके कह लेंगे जी कैप्सूल मौजूद होगा, प्रेजेंट एज अ कैप्सूल, यानी आपको इसके गिर्द कैप्सूल नज़र आएगा। सो बैक्टीरिया कंटेन कैप्सूल, यानी अगर हम इसमें देखें सो जो आउटर सरफेस है इसकी, इसे हम कैप्सूल कहेंगे, सही। दे कंटेन कैप्सूल जो कि इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, और ये किसी सेल के अंदर पाया जाता है और ज़्यादातर कम सेल्स में ही होता है, सही। आगे सेल वाल पे आते हैं, तो सेल वाल जो उनसे है वो प्रेजेंट होगी, सही, और ये किससे बनी होगी, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन, एक और इसका कंपाउंड होता है डेट इज़ म्यूरिन, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ, लाइक इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन, सही। जबकि इसके अंदर एनिमल्स के अंदर तो नहीं होती, एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, बट प्लांट्स के अंदर जो सा है ये सेलुलोज की बनी होगी, सेलुलोज इन प्लांट्स, ठीक है। और जबकि फंजाई के अंदर ये काइटिन की होगी, फंजाई के अंदर ये काइटिन, सही, फंजाई की काइटिन की बनी होगी, प्लांट्स के अंदर ये सेलुलोज की होगी। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आते हैं, सो दे डोंट हैव कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते और इनके अंदर स्टीरोल्स नहीं होते, सही। इसके अंदर स्टीरोल्स और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे, ठीक है, यानी मोर कॉम्प्लिकेटेड किस्म की होगी। साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं, नो साइटोस्केलेटन, मतलब जो प्रोक्रियार्ट्स हैं उनका साइटोस्केलेटन नहीं होगा, सही, और यानी कोई स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होती, जबकि इसके अंदर साइटोस्केलेटन होगा और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी होगी, यानी साइटोप्लाज्म मूव कर सकेगा। हेयर साइटोप्लाज्म कैन मूव, साइटोप्लाज्म कैन मूव, सही। इनके जो साइजेस हैं दैट इज राइबोसोम्स की बात करते हैं, यहाँ पे इनके 70 SK होते हैं, सही, इनके जो राइबोसोम्स के साइज हैं वो 70 S, यानी सेवड पर जैसे बात हुई कि सेवड सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है, ठीक, यानी ये छोटे होते हैं बनिस्बत यूकेरियोटिक राइबोसोम्स जो कि 80 SK होते हैं, ठीक है, और बड़े होते हैं, ये लार्जर साइज में होते हैं। क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, सो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होगा, लाइक इसके अंदर ना इस तरह क्रोमोसोम, ये आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, इस तरह क्रोमोसोम बस पड़ा होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा, सिंगल क्रोमोसोम, सही। इसके अंदर ये होता है क्रोमोसोम्स का पूरा नेटवर्क होता है, दे आर जस्ट स्प्रेड इनटू, लाइक हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, सही, ह्यूमन सेल्स के अंदर। सो दे हैव, यानी अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे हैव सिंगल क्रोमोसोम, जबकि हमारे पास मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके साथ हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं जो कि इनकी यानी शेप को बरकरार रखती हैं, ठीक, यानी जो हमें एक्स टाइप का जो क्रोमोसोम नज़र आ रहा होता है तो इसमें हिस्टोन्स प्रोटीन्स बेसिक रोल प्ले करती हैं बिल्डिंग करने के लिए, सही। इसकी सेल डिवीजन बाइनरी फिशन से होती हैं, सही, यानी इसकी सेल डिवीजन किस तरह होगी, बाइनरी फिशन, सिंपल सेल दो में डिवाइड हो जाएगा, इसका प्रोसेस पढ़ेंगे हम जब बैक्टीरिया में जाएंगे, बैक्टीरिया के चैप्टर के अंदर। जबकि इसमें सिर्फ माइटोसिस होती है, माइटोसिस या फिर मियोसिस होती है, मियोसिस भी होती है, सही। सो यानी हेयर सेल डिवीजन विल बी विद द हेल्प ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस। आगे सेक्सुअल रिकम्बिनेशन पे आते हैं, सो नन ट्रांसफर ऑफ डी एन ए, सही, यानी सेक्सुअल रिकम्बिनेशन के अंदर क्या है कि कुछ भी नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस ही नहीं होते, सिर्फ डीएनए ट्रांसफर होता है, जिसे हम कंजुगेशन कहते हैं, कंजुगेशन। जबकि इसके अंदर मियोसिस होगी, सही, यानी जो बड़े सेल्स हैं, सॉरी बड़े एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमंस बींग्स, दे प्रोड्यूस मियोसिस और फिर आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये गैमेट फॉर्मेशन और फिर जायगोट वगैरह बनता है। तो ये था आप कह रहे हैं कि एक टेबल की शक्ल के अंदर सारा डिफरेंस था। सो हम बकाया इस चैप्टर को रिवाइज़ करते हैं, इसके अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, सेल से, हमने कहा जी इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी पढ़ी कि लाइक एटम्स
Atoms combine to form molecules. Molecules convert into organelles. Organelles then combine to form cells. और ये cells कौन सा, ये basic structure और function unit of life है, ठीक है. इनसे फिर आगे organs, system और organisms बनते हैं, सही. अच्छा, इसकी types पे आए थे तो हमने कहा जी basically they have two types, prokaryotic, सही, primitive old version है एक किस्म का ये, और eukaryotic more advanced किस्म का cells है जो कि हमारी body में भी पाया जाता है, present in humans. सो ह्यूमन स्पीस की एक एग्जाम्पल है, ठीक है. इसके अलावा प्लांट्स में होता है, फंजाई में होता है, सही. यानी जितने भी डेवलप एक्सेप्ट बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज के अलावा हर एक में पाया जाता है, ठीक. उसके बाद हमने कहा जी आए जी हम इनके मेन मेन फ़र्क करते हैं, किस तरह फ़र्क करते हैं. तो इसमें हमने डायग्राम्स यूज़ की, मतलब हमारे पास एक एनिमल सेल था, एक प्लांट सेल था, फिर इसके हमने देखे कौन कौन से पार्ट्स मैच करते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन तीनों में थी, राइबोसोम्स तीनों में मौजूद थे, इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स थे वो तीनों में मौजूद होंगे, ठीक है. तीनों में क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, फ्लैजिला बाज में मौजूद होते हैं, बाज में नहीं होते, ठीक. सो फिर हमने जो डिफरेंस थे वो देखे, मसलन इसके अंदर स्पेशल कंपार्टमेंट्स हैं, वैक्यूल्स बने हुए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस लैदर से नज़र आएगा आपको, ठीक. गोल्जी कम्प्लेक्स है. सो ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये हमारे कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया के सेल्स हैं उसके अंदर मौजूद नहीं होते, सही. तो हमने इसे सिंगल लाइन डिफरेंस इतना कर सकते हैं कि जी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर पार्टीशनिंग नहीं हुई होती, कि हर यानी जिस तरह हर ऑर्गेनेल्स इसके अंदर आपको लगता नज़र आ रही है इसके अंदर ये सब मिक्स हुए होते हैं, सब साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं, ठीक. सो यानी ये कह लें कि सिंपल किस्म का सेल्स है. तो इसी को हमने टेबल की शक्ल में रिवाइज करने की कोशिश की, जिसमें हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स थे. उसके हमने सबसे पहला डिफरेंस पढ़ा साइज ऑफ सेल, लाइक इनका 0.2 टू 2 माइक्रोमीटर होता है, जबकि ये 10 से 100 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक. और न्यूक्लियस पे आए, न्यूक्लियस के अंदर इसमें हमने कहा जी कि दे हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कोई इसका खास न्यूक्लियस नहीं होगा, जबकि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है. नहीं आपको वाजिया न्यूक्लियस सेंटर में नज़र आएगा, लाइक दिस इज़ द न्यूक्लियस, इसके सेंटर में न्यूक्लियस नज़र आएगा. फिर मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल्स होंगे, यानी इसके अंदर पार्टीशनिंग हुई होगी, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पार्टीशनिंग होगी, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर नो पार्टीशनिंग नहीं हुई होगी. फिर फ्लैजिला हमने कहा जी कि ये प्रोटीन से, सिंपल प्रोटीन से मिलकर बने होंगे, जबकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होते हैं. इसकी एग्जांपल क्या, मसलन हेयर हमारा, ठीक है, हमारे जो बाल हैं ये मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उनसे मिलकर बनते हैं. फिर ग्लाइकोकैलेक्स है, ठीक है, इसे हम प्रेजेंट एज अ कैप्सूल होता है, ठीक है, यदि बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है, और स्लाइम लेयर भी कहते हैं इसे हम, ठीक है. और ये बाल सेल्स में होता है, ठीक है, यूकैरियोट में बाल सेल्स होते हैं जिसके अंदर ये होता है, वरना नहीं होते. आगे सेल वाल पे आते हैं, यूजली प्रेजेंट, ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन से बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन दिस वन एंड म्यूरिन, ठीक है, नहीं पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन से सेल वाल बनती है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर होती नहीं है सेल वाल. अलबत्ता प्लांट्स के अंदर ये सेलुलोज से बनेगी और फंजाई के अंदर ये काइटिन से बनती है. सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन भी एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का स्ट्रक्चर होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है, सही. उसके प्लाज्मा सेल वाल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आएंगे. सो जो बैक्टीरियाज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स थी वो ऑलमोस्ट सिंपल सी थी, ठीक है, नहीं दे जनरली लैक स्टीरोज, इसके अंदर लिपिड पोर्शन नहीं होता, सही. फास्फोलिपिड्स तो होते हैं, लेकिन जो स्टीरोज होते हैं ना, यानी स्टीराइडल जो नेचर होती है वो नहीं है इनकी, जबकि प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर आपको स्टीराइडल नेचर्स मिलेंगी, ठीक है. नहीं दे हैव स्टीरोज, मैं इसे मिटा देता हूँ. सो दे हैव स्टीरोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स, सही. उसके बाद साइटोप्लाज्म पे आते हैं, तो इनके अंदर कोई साइटोस्केलेटन नहीं होता, लाइक दे डोंट हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स नहीं होते, जबकि इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम भी मिलेगी, यानी इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं, साइटोस्केलेटन भी मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म मूव भी कर सकता है, सही. राइबोसोम्स की बात करते हैं हम, राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं, यहाँ पे छोटी सी फैक्ट्री होती है, यानी दे हैव स्मॉलर इन साइज, जबकि ये लार्जर इन साइज हैं, के ATS के होते हैं, और मेलिस के अंदर जो है वो 70S के होते हैं, यानी जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं वो ATS के होते हैं, सही. क्रोमोसोम्स पे आएंगे, सो इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा, दे हैव ओनली अ सिंगल क्रोमोसोम, इस तरह एक क्रोमोसोम जो कंडेंस होकर पड़ा होता है, सही. जबकि इसके अंदर क्या है कि हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे हैव
मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स विद हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन जो है ना, ये इसकी कह लें कि बाइंड हुए होते हैं इसके साथ, इसको शेप में रखते हैं क्रोमोसोम्स को। दूसरा सेल डिवीजन, जो बैक्टीरियाज वगैरह है ना, ये यानी सिंपल बाइनरी फैशन से डिवाइड होते हैं, दे डोंट हैव माइटोसिस और मियोसिस, यानी वो जो सारा प्रोसीजर हमने पढ़ा प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, वो इनमें नहीं होता, सही। दे सिंपली जस्ट डिवाइड इनटू टू। जबकि ह्यूमंस के अंदर आपको माइटोसिस मिलेगी, यानी दे आर स्पेशल फेजेस, ठीक है, इनके फेजेस होंगे, कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, सेल फिर जाके डिवाइड होगा। सेक्सुअल रिकम्बिनेशन पे आते हैं, सो इसमें सिर्फ डीएनए ट्रांसफ़र हो सकता है कंजुगेशन के ज़रिए, पीछे लिखा हुआ है, कंजुगेशन के ज़रिए डीएनए ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे इन्वॉल्व मियोसिस, मियोसिस के बन के गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स फिर आगे जाके फर्टिलाइज होते हैं, जायगोट एंड सो ऑन। सो देर आर हेल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी अगर हम सिंपल में कहें तो ये प्रिमिटिव टाइप यानी ओल्ड वर्जन है, तकरीबन चीज़ें सारी पुरानी पुरानी हैं इसमें। ये न्यू वर्जन हैं इसके, कि इसके अंदर आपको पार्टीशनिंग मिलेगी, ठीक है, हर पार्ट अलग अलग होगा, हर का अलग अलग फंक्शन होगा, ठीक है, हर एक ऑर्गेनेल्स बने होंगे, सही, वो फिर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जबकि इसके सब चीज़ें मिक्स थी, सो दे हैव मैश अप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके मैश अप हुए हैं सारे, सो इसके अंदर पार्टीशनिंग थी, ठीक। इसके अलावा साइजेस में फ़र्क पड़े हमने, तो इस तरह हम प्रोक्रियाट और यूक्रियाट के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। सो फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम यूक्रियाट की मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे, यानी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स कहाँ पे काम करते हैं, यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ठीक, और ये किस तरह एक सेल जो है फैक्ट्री का काम करते हैं, सही। सो ये हमने पढ़ने हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने यूकेरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के दरमियान फ़र्क कर लेंगे। थर्ड वन इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल। सो आगे जो से लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हमने यूकेरियोटिक सेल्स को टारगेट करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।